So hello and welcome everyone for this Christmas special or today's session May. We are going to see lots of activities based on Christmas theme which will help you to help your child develop not only language but speech goals also. We are going to cover basic, intermediate and advanced level, all the three levels so that each one of you gets benefit from today's session. और मैं चाहूंगी आप सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट करें क्योंकि ये इंटर सेशन होने वाला है इसमें ये नहीं है कि मैं सब बताऊंगी आई वुड लाइक यू ऑल्सो टू कम अप वी विल सी वन एक्टिविटी और उसमें आप लोग बताएंगे कि जो गोल हम क्या क्या गोल्स हम अपने बच्चे को इस चीज से सिखा सकते हैं तो अगर हम एक्सचेंज uh, करके इंटरेक्ट करके करेंगे तो अगर मैंने पांच गोल मेंशन किया है तो हो सकता है आज यहाँ एक ही एक्टिविटी से दस गोल्स हमको उसी सेम चीज से मिल जाए सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरक्टिव सेशन या तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो या फिर चैट में लिख सकते हो विच एवर इज इजियर फॉर यू सो जब क्रिसमस का थीम है तो क्रिसमस से रिलेटेड आपके माइंड में क्या क्या चीजें आती है पहले ये बताइए जब भी हम क्रिसमस के बारे में सोचते हैं हमें हम हम अपने बच्चों से रिलेटेड कौन सी इमेजेस हमारे माइंड में आती हैं एक एक करके बता सकते हैं आप लोग डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस व्हाट डू वी डू ऑन क्रिसमस मैम क्रिसमस ट्री की आती है, Very good. की आती है, Very good. आती है uh, Very good. Excellent. और क्या-क्या आता बेल वाली like, uh, Christmas पे हम बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं लाइक सेंटा क्लॉज ट्री की गिफ्ट सेंटा गिफ्ट लाया मतलब एक पार्टी टाइप में उन्हें थोड़ा सा मतलब एंटरटेनिंग वे में करे कि क्रिसमस पार्टी हाँ गुड गुड मैम केक वेरी गुड केक पार्टी में केक ना हो तो मजा कैसे आएगा एक्सीलेंट सो वी सांता क्रिसमस ट्री गिफ्ट्स केक व्हाट एल्स मैम जिंगल्स क्रिसमस जिंगल्स Awesome. वो तो हाँ क्रिसमस आने से पहले दिमाग में चलते रहते हमको स्कूल्स में भी करवाते थे ना तो दे कीप ऑन लाइक कमिंग टू आवर माइंड व्हेन द क्रिसमस अराइव्स यस सो जिंगल बेल लॉट ऑफ क्रिसमस कैरल्स वेरी गुड और क्या माइंड में आता है जब हम क्रिसमस सोचते हैं तो अरे गिफ्ट्स कौन लाएगा <laughs> ओल्ड स्टोरी ऑफ लाइक सॉक्स को टांगो और इसमें गिफ्ट मिलेगा इसमें सबसे ज्यादा मजा आता है सरप्राइज का कि बच्चों को नेक्स्ट डे उनके पिलो के पास सॉक्स रख के उसमें लगता है उनको कि सुबह जब उठेंगे तो उनको कुछ सेंटा गिफ्ट देके जाएगा सो देर इज दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद सरप्राइज एलिमेंट और इसके अलावा सो लेट्स सी आपने क्या बोला और इधर क्या लिखा हुआ था सो क्रिसमस ट्री सेंटा क्लॉज गिफ्ट रेनडियर सेंटा क्लॉज किस पे आएगा रेनडियर की स्लेज पे बैठ के आएगा सो रेनडियर एंड देर आर लॉट्स ऑफ डेकोरेशन जिनके बारे में हम वोकेबलरी बढ़ा सकते हैं बच्चों की और कलर नॉलेज बढ़ा सकते हैं कलर इन्फॉर्मेशन जैसे बहुत सारे मल्टी कलर के स्टार्स मिलेंगे और इसी में आप गोल्डन और सिल्वर कलर्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं क्योंकि यूजुअली बाकी कलर्स हम सिखा देते हैं जो मिसिंग रह जाते हैं वो होता है गोल्डन कलर सिल्वर कलर तो आप देखोगे क्रिसमस टाइम पे बहुत सुंदर सुंदर गोल्डन स्टार्स सिल्वर स्टार्स बेल्स मिलती हैं गोल्डन बेल कलर की सिल्वर कलर की स्ट्रीमर्स होंगे कैंडी केन्स होंगे तो जितना भी ट्री के ऊपर डेकोरेटिव सामान जाता है उसके ऊपर हम बहुत सारी वोकैबलरी उनकी डेवलप कर सकते हैं राइट right? तो अब क्योंकि हमारे पास बिगिनर्स बिगिनर लेवल के बच्चे भी हैं तो हम सबसे पहले उन बच्चों के साथ जिनका फोर टू सिक्स मंथ्स का इम्प्लांटेज है या जो साउंड्स पे ज्यादा भी काम कर रहे हैं उनके लिए हम इस फेस्टिवल को कैसे यूज कर सकते हैं हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच और लैंग्वेज गोल होता है साउंड ऑब्जेक्ट एसोसिएशन जैसे आपने अभी आपने कराया होगा कि एनिमल्स की साउंड्स कराई होंगी एल टी एल साउंड जिनको बोलते हैं लर्निंग टू लिसन साउंड्स उसमें आप व्हीकल्स भी लेते हैं एनिमल्स भी लेते हैं तो अब जो क्रिसमस से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें भी हम साउंड ऑब्जेक्ट एसोसिएशन कर सकते हैं जैसे सेंटा की साउंड क्या होगी हो 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 सो थ्री शॉर्ट हो 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 इज वॉट देंटा सेस तो आप सेंटा क्लॉज का पपेट दिखा के या फोटो दिखा के आप सेंटा क्लॉज की साउंड ऑब्जेक्ट एसोसिएशन पे काम कर सकते हो ऐसे ही बेल्स बेल्स की साउंड क्या होंगी डिंग डोंग या अगर हिंदी में कर रहे हैं तो टन 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 तो जो ये सॉन्ग डोंग बेल इस तरह से आप गा के भी बेल्स को साउंड ऑब्जेक्ट एसोसिएशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कोई भी गिफ्ट लाएंगे तो उसके साथ साउंड आएगी वाओ तो जो आओ है वो टू सिलेबिफोंग है इसमें दो वावल्स यूज होते हैं आ और उ। आ उ। वाओ। तो अगर आप स्पीच पे काम कर रहे हैं और आपका बच्चा अभी सिर्फ आ ऊ सिंगल में बोलता है तो दो वावल्स को ज्वाइन करके आऊ वाली साउंड भी हम अलग अलग चीजों के साथ कर सकते हैं जैसे आप कोई भी चीज दिखा रहे हो उसके साथ आप बोल सकते हो वाओ एंड वेट पॉज ताकि बच्चा भी उसको सुने ध्यान दे और उसको भी मौका मिले कि वो दोनों वावल्स को ज्वाइन करने के लिए वाओ जैसी साउंड निकाले फूड में आपने बहुत जगह आइसक्रीम यम्मी आइसक्रीम या कुछ भी खिलाते हो तो यम साउंड किया है तो आप केक या पार्टी के कोई भी खाने पीने का सामान है क्रिसमस पे तो उसमें यम इज अनदर साउंड ऐसे ही स्टार्स सो so स्टार्स के साथ सॉन्ग ट्विंकल ट्विंकल बहुत कॉमन है इसको आप एक्शन के साथ कर सकते हो तो बच्चा साउंड और एक्शन के साथ एसोसिएट करेगा स्टार को सो so जितने भी साउंड रिलेटेड एक्टिविटीज हैं साउंड ऑब्जेक्ट एसोसिएशन आप क्रिसमस वाली चीजों से अपने बिगिनर लेवल के बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हो और चाहे बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो जितनी भी नई वो वर्ड्स है कोई भी हमें फेस्टिवल एक मौका देता है उन चीजों को दिखाने का एक्सपीरियंस करने का और बच्चे उसको खुद टच और फील्ड कर, फील करके उन चीजों के नाम या चीजें नई नई सीख सकते हैं सो इट इज नथिंग टू डू कि इंटरमीडिएट के लेवल बिगनर वाले वर्ड्स को या साउंड्स को नहीं सीख सकते इज जस्ट दैट जितनी वो कैबलरी आप उनकी बढ़ाते जाएंगे उतना उनका लैंग्वेज अपने आप इं, आ, इंप्रूव होता जाएगा एनी क्वेश्चन फॉर बिगिनर लेवल्स की आ, इसमें आपको कोई डाउट कि और क्या क्या हो सकता है ओके सो नाउ मूव एक्टिविटी वन जो कि अगर बच्चा जैसे पल्लवी ने बोला फोर इयर्स की है तो ऐसा नहीं है कि खाली साउंड पे काम करना है चार साल के बच्चे के साथ आप बहुत सारी क्राफ्ट एक्टिविटीज भी कर सकते हैं सो नाउ वी आर गोइंग टू सी सम क्राफ्ट एक्टिविटीज जो बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल पर आप बच्चों के साथ कर सकते हो सबसे पहली एक्टिविटी है स्नोमैन uh, बनाने की स्नोमैन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ क्रिसमस तो मैंने ये फोटो uh, भी है और मेरे पास लाइव uh, में ये पपेट uh, भी है सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर जो भी आप क्राफ्ट एक्टिविटी करना चाहते हो अपने बच्चे के साथ उसमें आपके पास एक मॉडल रेडी जरूर होना चाहिए क्योंकि अगर आप बिना दिखाए इसको बोलोगे कि आई लेट्स मेक अ स्नोमैन टूडे दे विल अबाउट व्हाट इज अ स्नोमैन क्योंकि इंडिया में हम यूजुअली स्नोमैन uh, जैसी चीजें आम नहीं देखते अनलेस कि हम किसी बड़े मॉल में जाएं जहां डेकोरेशंस हो रखी हो तो स्नोमैन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सिखाने के लिए एक आपके पास खुद का मॉडल जरूर होना चाहिए सो so, इसको बड़े सिंपल तरीके से थ्री सर्कल्स लेके ग्लू किया हुआ है आप देख सकते हो मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर का सर्कल थोड़ा छोटा है फिर मीडियम है फिर लार्ज है और नीचे उसको ऐसे आइसक्रीम स्टिक के साथ पीछे से ऐसे सिंपल पेस्ट कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है बहुत ही सिंपल आप घर में जो भी वेस्ट पेपर है उसके तीन अलग अलग साइज के सर्कल बना दिए उसको ये बो लगाया और आप देखोगे शेप्स हमने ले ली यहाँ डायमंड और ट्राइंगल और ऊपर हैट है रेक्टेंगुलर एक दो रेक्टेंगल्स हैं सो अगर आप इंटरमीडिएट पे हैं सबसे पहले हम क्या बात कर सकते हैं जो शेप्स इनमें यूज हो रही हैं सो वी हैव रेक्टेंगल ट्राइंगल डायमंड एंड अन्सेप्ट ऑफ बो या मफलर मफलर की भी बो बनती है और उसके बाद हम बात करेंगे साइजेस की हमेशा हम बिग और स्मॉल आपने सिखा दिया होगा क्योंकि वो बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट है इंटरमीडिएट में हम बिग मीडियम भी इंट्रोड्यूस करते हैं सो वी हैव बिग मीडियम एंड स्मॉल सर्कल सो तीन साइजेस हो गए कलर्स हो गए रेड वाइट ब्लैक उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटरमीडिएट लेवल में आती है यूज ऑफ प्रेपोजिशंस अक्सर हम आप डाउन जैसी प्रेपोजिशन यूज करते हैं उसको आगे एक्सटेंड करते हुए आप देखोगे यहाँ पर हम प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं ऑन टॉप ऑफ सो लेट्स तो कमांड कैसे होगी लेट्स पुट द ट्राइंगल ऑन टॉप ऑफ द स्मॉल सर्कल और इन द सेंटर ऑफ द स्मॉल सर्कल तो जो कॉन्सेप्ट है वो सर्कल के सेंटर का भी आ रहा है सो दाउ यू आर एक्सपेंडिंग द लैंग्वेज अगर पहले आईज लगा दी सो लेट्स पुट टू डायमंड आईज यहां पर क्या है टू आइटम मेमोरी यूज करी है टू काउंट भी किया बच्चे ने और डायमंड शेप भी यूज करी में so जैसी भी आपने यहां पर करी है। अब मैं जितनी भी एक्टिविटीज हम बात करेंगे हर एक्टिविटी में मैं डिफरेंट लैंग्वेज बोल बताऊंगी बट इट्स नॉट की अगर आप यहाँ पर ये यह प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं तो नेक्स्ट एक्टिविटी में नहीं कर सकते इट्स जस्ट दैट की ज्यादा से ज्यादा गोल्स बताने के लिए मैंने हर एक्टिविटी में डिफरेंट गोल्स को ऐड किया राइट सो प्रेपोजिशन आ गई ऑन टॉप ऑफ इन द सेंटर बॉटम ऑफ क्योंकि हमें स्टिक uh, लगानी है सो लेट्स प्लेस द वुडन स्टिक इन बॉटम सर्कल सो ये टॉप सर्कल ये बॉटम सर्कल सो टॉप एंड बॉटम अब सेंटर में हमेशा जैसे स्नोमैन को डेकोरेशन uh, के लिए इस तरह के हम पॉम्पॉम्स pom यूज कर सकते हैं आई जस्ट शो यू ये भी uh, ये बड़े ग्लिटरी होते हैं आई होप यू कैन सी ये भी अलग अलग मल्टी कलर्स में आते हैं सो so, जो हम बटन्स हैं वो स्नोमैन के सो so, इसमें अगेन काउंटिंग आएगी हाउ मेनी बटन्स वन टू थ्री फोर सो फोर बटन मैंने फोर एग्जाम्पल लिएपोजिशंस पे काम कर रहे हो तो एक होता है ऑर्डिनल नंबर ये सारे इंटरमीडिएट गोल्स बता रही हूं मैं ऑर्डिनल नंबर मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एक तो हो गई काउंटिंग हाउ मेनी पम्पर्म्स फोर पम्पर्म्स फर्स्ट लेट्स पुट येल्लो एज द फर्स्ट पॉम्पॉम सो येलो इज द फर्स्ट पॉम्पॉम लेट्स पुट द रेड एज सेकेंड पॉम्पॉम तो मैं यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑर्जिनल नंबर की दे रही हूं नॉट वन टू थ्री फोर सो दैट्स एन अदर एक्सपेंशन जो आप कर सकते हैं तो आप देखोगे एक सिंपल सी एक्टिविटी में आपको यहाँ पर कितने सारे गोल्स मिल गए आप में से कोई आ, और ऐड करना चाहेगा अगर मैंने कुछ भूला है तो या इफ यू फील यू कैन इफ यू कोई आइडिया आपको और आया इसको देख के तो आप प्लीज शेयर करना चाहेंगे एनी पेरेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें शुरू में डिस्कस करनी चाहिए थी कि बच्चों को अभी आज हम ट्वेंटी सेकेंड को ये सेशन क्यों कर रहे हैं क्योंकि एक क्रिसमस ऐसा फेस्टिवल है जो हर साल हमेशा ट्वेंटी फिफ्थ को ही आता है सो so कैलेंडर पे आप आज ही अपने बच्चों को कैलेंडर पे ट्वेंटी फिफ्थ करके सर्कल बना सकते हैं और वहाँ एक क्रिसमस ट्री ड्रॉ कर सकते हो कि क्रिसमिस इज कमिंग ऑन ट्वेंटी फिफ्थ टूडे इज ट्वेंटी सेकेंड अब जो इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल के गोल्स हैं काम कर रहे हैं जो कैलेंडर पे काम कर रहे हैं सो दे कैन टॉक अबाउट वॉट इज टूडे वेन इज द क्रिसमिस दैट इज ट्वेंटी फिफ्थ थर्ड एडवांस गोल होगा हाउ मेनी डेज लेफ्ट फॉर क्रिसमिस सो इफ टूडे इज ट्वेंटी सेकेंड इन हाउ मेनी डेज क्रिसमिस विल कम so we have three more days फोर्थ टू two more days and then it will be 25th so how many more वाला जो concept है वो भी add होगा advanced level में और इसके अलावा कोई गोल्स आपको आ रहे हैं जो आप add करना चाहेंगे एनी पेरेंट सो प्लीज कैलेंडर पे इसको जरूर दिखाइएगा इवन इफ योर चाइल्ड इज एट beginning लेवल कैलेंडर डिजिट्स उनको अभी से दिखाएंगे बिकॉज इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द कैलेंडर और उसके अलावा डेट के अलावा डे की भी बात करनी है दैट क्रिसमस कमिंग ऑन सैटरडे सो टुडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे देन सैटरडे सो डेज डेट हाउ मेनी डेज लेफ्ट ये सारे कैलेंडर एक्टिविटीज आप, आप दो तीन दिन में प्रैक्टिस करा सकते हैं any doubt any comment or shall we move on to next activity okay so let's see the second activity uh, is image mein aap dekhoge दो दो चीजें हम बना सकते हैं बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है यूजिंग स्टिक्स एंड कॉटन बॉल्स अब यहाँ पर देखो पिछले वाली एक्टिविटी में हमने ज्यादा काम किया काउंटिंग पे कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग कलर्स प्रपोजिशंस अब इस एक्टिविटी में हम काम कर सकते हैं जो इंटरमीडिएट और एडवांस में है सबसे पहले नेम ऑफ मटेरियल्स यूज़ुअली हम क्या करते हैं कि हम चीजें सिखाते हैं लेकिन हम जो चीजें किस चीज से बनी है उसको भी बताना चाहिए सो so अगर आपने मटेरियल्स इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं सो दिस इज अ गुड एक्टिविटी वेयर यू कैन इंट्रोड्यूस नेम्स ऑफ मटेरियल्स लाइक आइसक्रीम स्टिक इज मेड ऑफ वुड एंड कॉटन इज मेड ऑफ कॉटन कॉटन इज इट सेल्फ मटीरियल ऐसे ही जो ट्राइंगल बना है इट इज मेड ऑफ पेपर और जो रेंडियर के हॉर्न्स बने हैं इट इज मेड ऑफ फेल्ट सो देर आर फोर डिफरेंट मटीरियल यूज इन दिस एक्टिविटी कॉटन वुड पेपर फेल्ट सो नेम्स ऑफ मटीरियल हो गए उसके बाद आप बच्चों को सैंपल दिखा के जैसे मैंने बोला आप सैंपल रख सकते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाउ विल वी मेक दिस वू वी नीड टू मेक दिस सो आप हमेशा ये नहीं बोलोगे की लेट्स डू दिस टाइम वी आर मेकिंग चिल्ड्रन टू थिंक हम सिर्फ उनको इमेज दिखा रहे हैं सेंटा क्लॉज की कि देखो आज हम ये क्राफ्ट करेंगे सो वट डू यू थिंक आपको क्या लगता है हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए अगर बच्चा बोलेगा हमें आईज चाहिए नोज चाहिए सो प्लीज एनकरेज एंड एप्रीशिएट कि उसने ये क्वेश्चन समझ के आंसर देने की कोशिश की है अगर उसने नोज बोला तो आप उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे यस वेरी गुड वी विल मेक अ नोज एंड दिस नोज इज मेड अप ऑफ कॉटन तो तब आप वो मटेरियल जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सो so, चाहे बच्चा आपका कोई भी चीज अटेम्प्ट करे क्वेश्चन के आंसर देने की नेवर से नो 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 ऑलवेज अप्रिशिएट कि उन्होंने ये देने की कोशिश की है और फिर आगे आप एक्सपेंशन पे काम कर सकते हैं सो अगेन फाइनल पीस दिखा के हमने ये क्वेश्चन पूछे नंबर टू अब हम काम करेंगे सिक्वेंसिंग पे क्योंकि हमेशा ऑडिटरी मेमोरी पे फोकस देना बहुत जरूरी है वन आइटम हो गया टू आइटम टू आइटम से थ्री आइटम थ्री आइटम से थ्री कमांड्स पे आ गए और उन कमांड्स की एक सीक्वेंस होगी तो कोई भी क्राफ्ट एक्टिविटी शुरू करने से पहले आप बच्चों को बता सकते हो कि आज हम अगर जैसे उसने बताया ये ये सामान चाहिए तो आप बोलोगे पहले हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे फिर उसके ऊपर स्टिक्स पेस्ट करेंगे अगर टू कमांड्स दे रहे हैं तो लेट द चाइल्ड पिक अप द बिग ट्रायंगल एंड पिक अप द टू स्टिक्स तो आप डबल कमांड के साथ ही पूरा एक्टिविटी करिए जैसे इतना होने पे सो नाउ लेट्स पेस्ट द रेड ट्रायंगल ऑन टॉप ऑफ आइसक्रीम स्टिक्स ये डबल कमांड हो गई तो इस तरह से कोशिश करिए कि बच्चे की ऑडिटरी मेमोरी जो है सीक्वेंसिंग पे काम करने के लिए आप उसको हमेशा Uh, जो भी वो लेवल पे काम कर रहा है उससे नेक्स्ट लेवल पे आप उससे बात करें कभी भी बच्चे के लेवल पर काम नहीं करना बच्चे तभी प्रोग्रेस करते हैं जब आप उनके लेवल से ऊपर होकर अम्मी माइक्रोफोन म्यूट अम्मी। कर दो अम्मी। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम इसी तरह से यू हैव टू एनकरेज चाइल्ड टू से तो सेंटा के बारे में क्योंकि हमें उनको कॉन्वर्सेशन पे लेके जाना है और एक टॉपिक के ऊपर बात करने के ऊपर लेके जाना है तो सेंटा क्लॉज के बारे में उसको दो या तीन लाइनें बोलने को एनकरेज कर सकते हैं कि सेंटा क्लॉज की वाइट बियर्ड होती है वो हो हो करता है सबके लिए गिफ्ट लाता है तो इस तरह से तीन या चार लाइनें बच्चों को आप बोलने के लिए एनकरेज कर सकते हैं क्योंकि गुड तो, इवनिंग सॉरी मैम बीच में कोई बात में। नहीं बोलो मैम मुझे ये पूछना है ये क्राफ्टिंग हमें मतलब ट्वेंटी फाइव को ही करानी है नहीं अभी करानी है अभी से, अभी से है। स्टार्ट कर दे हाँ आपको दो तीन दिन लगेंगे बच्चों को ये सब करवाने में इसीलिए हमने आज ट्वेंटी फिफ्थ से पहले रखा है ताकि आज अभी दो दो दिन है हमारे पास तो क्राफ्ट एक्टिविटीज गेम्स ये सब करा के क्रिसमस वाले दिन बच्चे रियल की चीजों को देखें और घर में क्रिसमस ट्री जरूरी नहीं है क्रिसमस ट्री खरीद के लाए किसी भी पेड़ पौधे के ऊपर आप ये चीजें सुंदर अभी परा... वो मटेरियल नेम तो नहीं जानती है लेकिन हाँ पेंस वगैरह कलर नेम ये तो सब जानती है तो इन्हीं पे ही वर्क करें नहीं आगे बढ़ाओ ना तो यही मैं कह रही हूँ जिस चीज को आ गया उससे ऊपर बढ़ाओ अब मटेरियल okay. नेम इंट्रोड्यूस करो जब तक आप इंट्रोड्यूस नहीं करोगे बच्चा सीखेगा कैसे ओके okay. है ना okay. वो तो जो अगर सीक्वेंसिंग कर रहा है तो अच्छी बात है उसको और एडवांस बनाते जाओ रुकना नहीं है ओके okay, मैम अब आप देखोगे आ, एडवांस लेवल में अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देखो यहाँ जो सेंटा क्लॉज की बियर्ड बनी है इसमें रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग सिखा सकते हो आप जी अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन में छ बॉल लगी है फिर चार बॉल फिर तीन बॉल फिर दो बॉल फिर एक बॉल जी जी तो रिवर्स काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आप यहीं से सिखा सकते हो मैम एक बात पूछनी थी क्या उसका अभी लेट हुआ था इम्प्लांट प्रेक्षा हम्म तो मैम वो थोड़ा बोलती है मतलब इस पीस उसकी कैसे होगी उसको आपने ना थोड़ा सा क्योंकि बड़ा बच्चा पहले हियरिंग एड पे होगा ना तो लाउड बोलने की आदत होगी जी जी मैम तो वो आदत को करने के लिए आपको सबसे पहले सॉफ्ट में बात करना पड़ेगा Okay. और कई बार बच्चों को हम एक्शन से बता सकते हैं कि आप लाउड बोल रहे हो आप धीरे सॉफ्ट बोलो सॉफ्ट बोलो थोड़ा बहुत रिमाइंडर उनको देना पड़ेगा फिर उनकी प्रैक्टिस में आ जाता है जी मैम वो एक हैबिट छुड़वाने के लिए थोड़ा विजुअल क्लू दे सकते हो आप ओके मैम थैंक यू मैम ओके एक्सक्यूज मैम हेलो हाँ अगर मैं मेरी डॉटर ना टू इयर्स की है तो मैं इस मटेरियल से बात कर सकती हूँ क्या लाइक कॉटन पेपर ग्लू Uh, आप ज्यादातर टू इयर्स पे हम वर्ब्स पे काम कर सकते हैं लेट्स कट द ट्रायंगल लेट्स पेस द ट्रायंगल लेट्स पुट इट ऑन टॉप ऑफ इट सो वी आर वी वी नीड टू यूज मोर ऑफ प्रेपोजिशंस विद अ टू ईयर ओल्ड वर्ब्स यूज कर सकते हैं ठीक है मैम थैंक यू थोड़ा सा बच्चा और बड़ा हो जाता है अराउंड टू एंड हाफ थ्री इयर्स पे हम मटेरियल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ओके ठीक है मैम और कोई हेलो मैडम हाँ जी मैम जैसे इधर हमारे मैं राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मैडम इतना इधर क्रिसमस का होता नहीं है वैसे तो इसको शिवम को कलर्स वगैरह का शेप्स का पता तो है मैडम लेकिन ये मतलब समझेगा ये नहीं समझेगा ये पता नहीं है थोड़ी दिक्कत है आप सही कह रहे हो जरूरी नहीं है कि हर जगह क्रिसमस अच्छे से मनाई जाती हो तो हाँ। आ, लेकिन आ, बच्चा कितना बड़ा है मैम ये टू पॉइंट फाइव ईयर का ढाई साल का बच्चा है ढाई साल का है ना तो हाँ। आप जरूरी नहीं है जो क्रिसमस ट्री है उसको क्रिसमस ट्री बोलो आप नॉर्मल अच्छा, पेड़ की तरह जैसे पेड़ को डेकोरेट करना है हाँ मैडम है ना पेड़ के ऊपर हम जैसे ये एक्टिविटीज हम कर रहे हैं उनको आप अपने सिंपल जो आपके आसपास चीजें दिखती हैं उनमें भी आप करा सकते हो हाँ मैडम so, बाकी तो, 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 तो हाँ. इसका कलर कलर का शेप्स का और काउंटिंग का फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो पता है वेरी गुड सो अब जैसे जो नए उसके वर्ब्स हैं प्रेपोजिशंस हैं वो सारी डालो इसके ऊपर हाँ. लगाओ इसके बीच में लगाओ बिग मीडियम स्मॉल वाले साइज को इंट्रोड्यूस करो ये भी मैडम उसके कंसेप्ट क्लियर है बिखा छोटा बड़ा ऊपर नीचे ये भी उसके क्लियर है मैडम हाँ तो कोना कोने में लगाओ बीच में लगाओ अब ये वाले अच्छा। इंट्रोड्यूस करो कॉर्नर्स हो गए सेंटर हो गया अच्छा हां ठीक है मैम एक क्वेश्चन मेरा है हां कि हम बच्चे को छोटा बड़ा जैसे सिखा रहे हैं तो अभी मैंने मेरे बच्चे को छोटा बड़ा सिखाया है तो अब मीडियम के लिए क्या वर्ड यूज करें हिंदी में तो मध्यम बोलते ना तो मैम मीडियम या बीच का बीच का तो अच्छा, तो मतलब साइज़ तो होता ही है ना एक्चुअली मैं कभी-कभी बिग और स्मॉल भी बता देती हूँ स्कूल में उसको बिग और स्मॉल बताया है तो ऐसा तो नहीं है बच्चा कंफ्यूज होता है मतलब आई एम नॉट श्योर कि वो समझ पाता है नहीं समझ क्योंकि छोटा बड़ा तो वो समझता है बिग और स्मॉल का मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और चीज से मतलब लिंक करता हो उसको नहीं कभी भी अगर कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है एक लैंग्वेज में तो दूसरी लैंग्वेज में तो सिर्फ नाम सीखना है कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है तो मतलब अगर मैं उसको अभी इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करूँ कि बिग एंड स्मॉल मीडियम तो ऐसा तो नहीं है कि वो कंफ्यूज होगा क्योंकि अभी उसको बेसिकली जब मैंने छोटा बड़ा सिखाया था तो हिंदी में सिखाया था हाँ तो अभी आप पहले बीच वाला भी पहले हिंदी में सिखाएंगे ना जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पहले एक ही लैंग्वेज में चलने दीजिए फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना इजी हो जाएगा हम्म 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 ठीक है उसमें भी करना okay. पड़ेगा ना क्योंकि स्कूल में तो फिर इंग्लिश ही यूज होगी अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं आप तो हाँ तो वही बात है ना क्योंकि बिग स्मॉल तो उसको अब जाके थोड़ा समझ में आया है बट आई एम नॉट स्टिल श्योर की ये उसको बिग स्मॉल की वे में ही समझता है कि नहीं तो मैं इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा उसको वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स जब आप दोगे ना तो वो hmm. अपने आप बड़े को बिग समझेगा और छोटे को स्मॉल समझेगा इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गिव मल्टीपल एग्जाम्पल्स एक चीज से बच्चे को उतना माइंड में रजिस्टर नहीं होता अलग अलग एग्जाम्पल्स hmm. exactly. और रेपिटेशन से उसको आ जाएगा ऑलराइट थैंक यू मैम ठीक है चलिए आगे चलते हैं थर्ड एक्टिविटी करते हैं थर्ड एक्टिविटी के लिए मैंने आ, ये लाइ फोटो भी डाला है और मेरे हाथ में भी है सो बेसिकली मास्क बना सकते हो या फोटो फ्रेम बना सकते हो अगेन इसमें बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है सर्कल काटना है और हैंड्स बच्चे के हैंड्स को आप ट्रेस कर सकते हो ये मैंने भी एक छोटे बच्चे के हैंड्स को ट्रेस करके यहाँ पर पेस्टिंग करी है तो आ, मैंने एग्जाम्पल के लिए जो स्नोमैन बनाया था उसको ऐसे बीच में रख दिया तो आप फन के लिए बच्चे का फेस ऐसे बीच में डाल सकते हो और फोटो खींच सकते हो इस तरह से जो आ, एक्टिविटी है वो एक तो उसको करने में मजा आएगा और मास्क बच्चों को पहनने में उसमें सेल्फी लेना फोटो खींचना ये चीजें पसंद आती हैं अब यहाँ पर क्या काम करेंगे क्वेश्चन पे काम करेंगे अब तक हमने प्रेपोजिशन और बाकी चीजों पे काम किया इस एक्टिविटी में एग्जाम्पल्स दिए मैंने क्वेश्चन पे कैसे काम करना है सबसे पहले ये दिखा के आपको ये बनाने के लिए क्या क्या चाहिए यहाँ पर कितने हैंड्स हैं हमें कितने हैंड्स ट्रे, ट्रेस करने हैं इस मास्क को कौन पहनेगा सो so, कौन वाला क्वेश्चन आएगा फिर लास्ट में क्वेश्चन आता है वेन का ये मास्क आप कब पहनोगे तो आप देखोगे जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है क्वेश्चन में वो सिंपल से एडवांस तक जा रही है टफ कॉन्सेप्ट आंसर बच्चे तभी दे पाते हैं जब उनको समय का ज्ञान होता है जैसे कोई बोलेगा मैं शाम को मास्क पहनूंगा या मैं कल पहनूंगा उसको सुबह दोपहर शाम रात का कॉन्सेप्ट आएगा तभी वो वेन वाला आंसर दे पाएगा So, जो पेरेंट्स जो कह रहे हैं कि ये ये सीख लिया है तो जो सीख लिया है आप उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर फॉर्म्स में भी काम कर सकते हो और आगे लैंग्वेज को एडवांस बना सकते हो ठीक है सो so, ये थी कुछ क्राफ्ट एक्टिविटीज अब हर टाइम जरूरी नहीं है बच्चों को क्राफ्ट में मजा आए सो so, क्रिसमस पे स, दूसरी चीज हम कर सकते हैं कुछ गेम्स खेलने की अब आप यहाँ पर देखेंगे कुछ गेम्स हमने मैंने लिए हैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए आप में से कितने पेरेंट्स बच्चों के साथ ओरो मोटर एक्सरसाइजेस पे काम करते हो मैं कई बार स्पीच के सेशन में भी बता चुकी हूँ कि ओरल मोटर एक्सरसाइजेस अच्छी स्पीच आने के लिए बहुत जरूरी होती हैं बच्चे जितनी अच्छी आप लोग जानते हैं और क्या होती है उसमें क्या क्या आपको करवाना चाहिए रोज में हाँ मैम एक्चुअली इसमें मेरा क्वेश्चन भी था हा? कि जैसे मुझे जैसे फूक मारना बच्चे की थोड़ी टंग मतलब इधर मसाज करना चीक्स की ये होता है अभी जैसे मेरी डॉटर टू इयर्स की होने वाली है अब एक महीने बाद तो मैं उसके साथ ये एक्सरसाइज टंग मतलब जो मसाज होती है वो करवाऊँ उससे जरूरी या फिर वो ऐसे ही बोल लेगी नहीं आपको ना कोई भी चीज टू ईयर ओल्ड के साथ जबरदस्ती नहीं करनी एक्सरसाइजेस लेकिन कुछ फन एक्टिविटीज करनी है जिससे उसकी नेचुरल वे में एक्सरसाइजेस हो जैसे वो तो टंगे हाँ, बस हाँ, हाँ बस तो, वाली कराती हूँ हाँ सो so इयर्स और अब के साथ ब्लोइंग एक एक्सरसाइज हो गई अब आप देखो इस फोटो में भी ब्लोइंग में भी गेम बना रखी है

मोटी है तो बच्चा आसानी से सक करेगा उसको और पतला करना है सो वेराइटी ऑफ स्ट्रॉज मिलती है मार्केट में प्लीज यूज दीज को स्ट्रॉ सकिंग की एक्सरसाइजेस करानी है uh, एक बहुत ही ट्विस्टर वाली स्ट्रॉ भी मिलती है अगर आपने देखा होगा कई ड्रिंक्स में आती है ट्विस्टेड mm -hmm. so, वाली स्ट्रॉज को भी यूज करना है ताकि उनकी जो सकिंग है वो और स्ट्रॉन्ग बने ठीक है मैम सो ब्लोइंग सकिंग टंग रोटेशन टंग क्लिकिंग जो जो बच्चे टंग क्लिक नहीं कर पाते उनको ला बोलने में बहुत प्रॉब्लम आएगी सो so ला बोलने के लिए प्री स्पीच स्किल क्या है टंग क्लिकिंग तो so हॉर्स कैसे करेगा सो so बैठे बैठे हॉर्स के साथ खेल खेल लिया आपने और टंग क्लिक कर लिया तो वो एक्सरसाइज हो गई सो so अगर जितना टंग जो टंग है ये स्पीच का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ये मैंने स्पीच वाले सेशन में भी बोला था मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ so, की बहुत सारी एक्सरसाइजेस जो अभी हमने डिस्कस करी है इनको जरूर कराइएगा तो मैम इसमें जैसे टंग प्लिकिंग में हॉर्स वाला होता है और कौन सा ऐड कर सकते हैं जैसे ये तो एक करवा दूंगी उसके अलावा एक यही होता है आ, देखो कुछ गाने आप गा सकते हो जैसे वो लकड़ी की का काठी पे घोड़ा तो फिर गाने में भी आप म्यूजिक ऐड कर सकते हो कुछ गाते गाते टंग क्लिकिंग कर सकते हो ओके मैम माय वन मोर क्वेश्चन है, uh, is, actually, मेरा बेटा अभी का है उसका अभी ओरल मोटर एक्सरसाइज में मैम ब्लोइंग तो चल रहा है लेकिन अभी मसाजेज लाइक like, जो फेस मसाजेस होती है वो स्टार्ट हुई है और लाइक वो चूइंग ब्रश से जो अपन गम्स पे जो करते हैं वो तो वो मुझे जानना है कि वो नेसेसरी है कि क्या मतलब क्योंकि थेरेपिस्ट ने बोला इसलिए मैंने कराई है स्टार्ट बट आई डोंट नो कि नेसेसरी होती है कि नहीं देखो कई बच्चों के मसल स्ट्रांग नहीं होते तो अगर थेरेपिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे के जो ठीक मसल हैं ये स्ट्रोंग नहीं है तो फिर अगर रेकमेंड किया है तो कराना चाहिए लेकिन इट शुड बी फन इट शुड बी फन मतलब बच्चे को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मेरा पनिशमेंट का टाइम हो गया नहीं, नहीं मैम वो एंजॉय तो करता है वो तो आराम से करवा लेता है इसको कोई परेशानी नहीं होती उसको अच्छा लगता है इवन बट मैम अभी उसको ना क्योंकि अ, अंदर गम्स की तरफ करते हैं तो कुछ रेशेस पड़ रहे हैं उसको हाँ तो, तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा जोर लगा के कर रहे हैं विच इज नॉट नाइस बच्चे को हाँ, तकलीफ नहीं देना तो आप okay अपने थेरेपिस्ट को ये फीडबैक दे सकते हो कि ऐसा sure, sure. हो। तो आई एम sure... अभी ना मतलब उसको टंग के वर्ड्स नहीं आते लाइक अभी वो जो टंग क्लिक जो टंग के वर्ड्स होते हैं वो यूज मतलब उसको टंग को इतना यूज करना नहीं आ रहा है तो उसको उसके लिए मैं क्या एक्सरसाइज करवा सकती हूँ लॉलीपॉप वगैरह के हम राइट right साइड में थोड़ा सा करते हैं लेफ्ट साइड में करते हैं तो मैंने अभी कुछ गेम बताई भी है चॉकलेट लगा दिया बहुत कोने में ताकि बच्चा उसको चाट के ले सो दीज आर दी एक्सरसाइजेस जो आप उसको एक्टिविटी बेस्ड में करा सकते हो ठीक है okay, so, की कुछ इमेज है और मैम वन मोर थिंग हम्म आई यूज स्पाइरो कराते हैं हम तो uh, वो मतलब वो, वो मेरी, मैंने खुद से ही लाई हूँ किसी ने सजेशन नहीं दिया है तो इट इज गुड और नॉट बच्चा कितना है थ्री पॉइंट फाइव देखो जित हम ऐसी चीजें करते नहीं है रिकमेंड क्योंकि उससे बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है जितना <laughs> आप उसको गेम में बना के एक्टिविटी में बना के कराओगे कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप गेम बना के एक्टिविटी नहीं कर, करा के आप डेवलप नहीं कर सकते ओके ओके इट शुड बी फन इट शुड बी द चाइल्ड शुड बी हैप्पी कंफर्टेबल और right. और ये आप गेम्स के थ्रू कर सकते हो यू डोंट नीड गैजेट्स अनलेस की ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम ना हो। ओके मैम ओके थैंक यू सो मच मैम जैसे मैं ये दिखा रही हूँ सिंपल सी गेम है आई डोंट नो आप लोगों ने कभी देखी है ये वाली या नहीं अगेन इट्स अ ब्लोइंग एक्टिविटी बट गेम में बना रखी है hmm. हमारे पास छोटा मॉडल नहीं था तो बड़े बच्चे के साथ मॉडलिंग करा के बनाई है ये बट <laughs> ये है छोटे बच्चों की गेम हेलो मैम फ्रेंड्स आज मैं आपको गेम बताता हूं अभी लेती हूं एक्टिविटी के बाद एक बॉल को ड्रॉप करना है पेपर ग्लासेस के अंदर जो मैंने टेबल पे चिपकाया है चलिए <tinyan> तो आप ये आप प्लीज अपने घर पे ट्राई करना ये गेम आपको बहुत मजे आएंगे ओके बाय एक्चुअली बिल्कुल सिंपल सी आप देखोगे गेम है कुछ भी नहीं पेपर के कप्स को हमने एज पे लगा दिया टेबल के टेप के साथ तो बच्चा आप देखो ब्लोइंग कितनी पावरफुल ब्लोइंग चाहिए बॉल को मूव करने के लिए सो इट्स अ गेम एक्सरसाइज भी हो गई और गेम भी हो गई बच्चे को मजा भी आया हेलो मैम मैम जी जैसे वो जैसे जैसे वो वर्ड ये तो नहीं बोल पाता है बाकी ये, ले वे, ये बोल लेता है और चे नहीं बोलता है लेकिन किसी के जो साथ अलग से शब्द होगा जुड़ के वो भी ये बोल लेता है लेकिन क नहीं आता को आ जाता है की आ जाता है और जैसे मैम ले का बोल रहे हो ना जैसे ऐसे करके तो लेकिन वो ऐसे भी नहीं कर पाता लेकिन ले बोल भी लेता है वो <laughs> <laughs> नहीं वो कर लेता है तभी तो ल बोल पा रहा है ना अगर जोर से नहीं कर पा रहा हल्के से कर रहा है ना तो तभी ल तो बिना टंग को ऊपर किए लगी बन ही नहीं सकता किसी तरीके से ऐसे तो वो घोड़े ऐसे तो नहीं कर पाता लेकिन मैम ले बोल लेता है वो अब पता नहीं कैसे बोलता है चलो बढ़िया ये तो मजेदार बात बताइए आपने <laughs> और मैम जैसे ना जोर से नहीं बोलता धीरे ही बोलता है मैं कहती हूँ जोर से बोलो जोर से बोलो जोर से नहीं बोलता वो तो यही मैं कह रही हूँ जो हमारी ये ओरल मोटर एक्सरसाइजेज होती है ना मैम तो आप गेम्स में कराओगे इससे मसल स्ट्रोंग बनते हैं और अच्छा। जैसे स्ट्रोंग बनते हैं ठीक जब जितनी हमारे मसल्स ठीक मसल्स स्ट्रोंग बनेंगे फिर उतनी पावरफुल हमारी आवाज निकलेगी सो हाँ. so, इन चीजों को रूटीनली uh, कराते रहा करिए क क ख नहीं आता मैम क ख क ख बैक साउंड्स हैं वो टाइम लेती आने में ओके ठीक है मैम हाँ. थैंक यू मैम ओके okay. एक ये और गेम है जिसमें कि अब हम जब ऑडिटरी मेमोरी की बात कर रहे हैं अब ये एडवांस लेवल के बच्चों के लिए है जिसमें हम आप देखोगे थोड़ा सा टफ कर दिया एक चीज का मतलब दूसरा एक्शन है सो so, पहले मैं ये गेम दिखा देती हूँ तो किसी के क्वेश्चन होंगे तो पूछ सकते हैं हेलो आज और ब्रेन गेम है आपके लिए तो मैं बताती हूँ रिया ये क्या है मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं टोमेटो मशरूम और लेमन तो मैंने हर एक को सिंबलाइज किया है जैसे कि लेमन का मतलब है क्या होगा लेमन का मतलब मैंने किया है क्लैप क्लैप मशरूम का मतलब है क्लिक और टोमेटो का मतलब है सो so जब मैं ये प्लेट में ऑब्जेक्ट रखूंगी आपको वैसे ही एक्ट करना है ठीक है जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ सेम वे में एक और प्लेट ले लेती हूँ क्या होंगे डॉक्टर मैंने आने आया मगर ये ध्यान क्या नहीं है तो 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 वेरी गुड सो इस तरह आप तीन ऑब्जेक्ट के साथ पहले आप इनिशियली दो ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं और फिर आप तीन चार इस तरह से लेवल पढ़ा सकते हैं डिड यू एंजॉय एंजॉय सभी एंजॉय करें एंड ऑल द बेस्ट गेम समझ आई आपको ऐसे ही क्रिसमिस की चीजों को लेके कर सकते हो आप की बॉल का मतलब है ताली बजाना है बेल का मतलब है क्लिक करना है और कैंडी uh, का मतलब है टैप करना है सो so, कितने बॉल कितनी कैंडी उस हिसाब से बच्चा इट इज नॉट इजी ये बच्ची बड़ी है तो आप लोगों को आसान लग रहा होगा पर uh, बच्चों के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा उनको कौन सी दो का मतलब दो बार ताली बजाना है सो इट्स अगेन फन गेम जो आप क्रिसमस की डेकोरेशन और चीजों के साथ कर सकते हो दिस इज गुड फॉर आइटम मेमोरी एक आइटम थ्री आइटम्स हो गए और थ्री डिफरेंट कमांड्स हो रही हैं। सो तो बच्चों को याद रख के ये करना है अभी पीछे वाली गेम में कोई डाउट था अब अगर पार्टी में खाना पीना ना हो तो वो कोई पार्टी का मजा ही नहीं आता <laughs> और क्रिसमस पे बहुत सारी जैसे पेरेंट ने भी बोला केक होता है मफिन्स होते हैं तो ये चीजें हमें अपॉर्चुनिटी देंगी बहुत सारी एडवांस लैंग्वेज देने के लिए अब कैसे देनी है कुछ मैंने सिंपल लिखा है यहाँ पर सबसे पहले टेक अ सिंपल रेसिपी मतलब आपने मान लीजिए आज केक बनाना है तो केक की एक सिंपल वाली रेसिपी कोई हमें बहुत मुश्किल केक नहीं बनाना मान लीजिए सिंपल वनीला केक या चॉकलेट केक बनाना है तो उसमें हम क्या करेंगे बच्चे को साथ में इन्वॉल्व करेंगे उसको सैंपल दिखाएंगे कि आज हम ये वाला चॉकलेट केक बनाएंगे इसको बनाने के लिए हमें कितने आइटम्स चाहिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हो फाइव टू सिक्स आइटम ऑडिटरी मेमोरी पे काम कर रहे हैं जैसे कि केक बनाने के लिए ना तो हमें क्वांटिटी आइटम्स uh, का नाम आना चाहिए बट कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी में लेना है उसका भी हमें बच्चे के साथ ऑडिटरी मेमोरी पे काम करना है जैसे एग्जाम्पल के लिए इस केक को बनाने के लिए मुझे तीन कप मैदा दो अंडे आधा टी स्पून वनीला एसेंस, बेकिंग पाउडर वन टी स्पून बेकिंग पाउडर और कुछ जेम्स चाहिए ऊपर डेकोरेशन करने के लिए तो हमारी कितनी हो गई सिक्स आइटम्स हो गई फिर हमने बच्चे से पूछा बताओ केक के लिए हमें कितनी आइटम्स चाहिए तो बच्चे ने उसको याद किया फिर कौन सी आइटम कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो हमने याद किया उसके बाद खाना बनाते हुए अगेन सीक्वेंसिंग आ जाएगी सबसे पहले मैदा लेंगे मैदे में हमने बेकिंग पाउडर डाला फिर वनीला एसेंस जो भी आपको जिस भी तरीके से आप केक बनाते हैं उसकी सीक्वेंसिंग पे काम किया और हमेशा बच्चों को साथ में छोटा सा आप सैंपल दे दो ताकि आप जो कर रहे हो उसको देख देख के वो खुद भी करना सीखे खुद भी उसके साथ केक बनाए और बेकिंग उसके साथ ही पूरी लैंग्वेज दे सकते हो आप कि ये मीठा है ये कौन कौन खाएगा इसके हम कितने पार्ट्स करेंगे सो डिवीजन चार लोग हैं तो हमें केक को कितने भाग में बांटना होगा सो यहाँ मैथ्स का जो डिवीजन है वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा इस तरह से आप बच्चा जिस भी लेवल का है उसको आगे एडवांस लेवल पे ले जा सकते हो आप लोगों ने कभी इस तरह से रेसिपीज ट्राई है बच्चों के साथ करने के लिए कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा yes, Hello? Actually, मेरी डॉटर भी फॉन्ड ऑफ केक्स है उसको तो मतलब उसको तो हर महीने केक चाहिए तो फिर वी हैव फिक्स द डेट्स जैसे आपने कैलेंडर का वो, 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 वो सिस्टम बताया सो वी सम डेट्स कि हाँ अब ये आएगा हैव हाँ केक तो अभी मैंने उसको क्रिसमस के लिए मार्क करके कि अभी फोर डेज हैं डेज हैं ऐसे करके तो क्रिसमस और हम लोग घर में भी केक कई बार साथ में बनाते हैं तो अगर उसको कभी खाने का भी मन होगा ना वो ओवन पहले ही पॉइंट करके अंदर की तरफ रखा है तो शेल्फ खोल के दिखा निकाल देगी कि केक खाना है मतलब बोलती नहीं है केक बट सारे एक्शन वो करने लगती है कि केक बनाएंगे हम लोग खाएंगे और फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड उस और बच्चों को हम ये भी सिखा सकते हैं कि जैसे कि मैंने उसको एक कॉन्सेप्ट वो ना मैं उसको केक की जब भी उसको केक खाने का मन होता है तो मैं उसको पेस्ट्री दिलाती हूँ तो बिकॉज गिव हर केकल शी आज फॉर बिग बिग केक तो नहीं बोलती बिग बिग एक तो मैं कहती हूँ कि वो जो हाँ। बहुत सारे लोग होते हैं वेन वी हैव बिग और जब हम सिर्फ वन के लिए लेते हैं तो वी हैव स्मॉल पीस इसलिए सिर्फ आप आपको खाना है तो एक स्मॉल पीस रहेगा सो so, इस तरीके से बट शी एंजॉय कुछ वो मिक्स करना एंड देन पोरिंग एंड कई बार वो इनग्रीड वो इनिशिएट करती है खुद से डालने के लिए तो जैसे कुछ उसने ज्यादा निकाल दिया तो मैं उसको स्मॉल एंड बिग के अमाउंट में मोर लेस इसमें नहीं हम इसमें लेस डालेंगे लेस डालेंगे मोर नहीं डालेंगे हाँ. तो इस तरीके से करके वो फिर मतलब वो इनफैक्ट uh, कंटेनर में भी सारा कुछ वो खुद ही पोर करती है शी इट लॉट एंड शी वेट्स कि हाँ ये टाइमर है सेट हो गया फिर हम वॉच में मैं उसको हैंड uh, आवर जो uh, आवर और मिनट्स के जो आर्म्स हैं उनको दिखा के कि, कि देखो अभी ये टेन पे है इस पे है जब ये इस पे जाएगा तो वो भी घूम घूम के देखती रहती है तो शी दो शी नो कि कितना बज रहा है बट मिनट्स मिनट्स का नहीं है बट ये है कि हाँ इतने टाइम पे मेरा केक रेडी हो जाएगा सो शी इमीडिएटली अवे की हाँ रेडी हो गया है हाँ. तो एक वॉच का भी concept बच्चे को इंट्रोड्यूस हो जाता है वेरी गुड एक्सीलेंट वेरी uh, नाइस nice. आपने एक ही एक्टिविटी में देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट कैलेंडर भी लाए टाइम भी लाए इंग्रेडिएंट्स की भी बात करी क्वांटिटी की भी बात करी सो वेरी गुड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो इसी तरह आप भी अपने बच्चों के साथ देखिए जरूरी नहीं है हर बच्चे को केक अच्छा लगे आप घर में जो डिशेस बनाते हैं उसमें भी इन बच्चे को इन्वॉल्व करके आप बहुत सारे लैंग्वेज गोल्स उनको सिखा सकते हो और नेक्स्ट yeah. देखिए yeah. हमने क्राफ्ट एक्टिविटीज कर ली कुछ गेम्स कर ली खाना पीना हो गया अब क्या मिसिंग है पार्टी में म्यूजिक वेरी गुड वेरी गुड बिना म्यूजिक के कोई पार्टी नहीं होती सो वी विल हैव Music and let's see what game do we have. ये फ्लोर पर हमने कुछ टेप्स लगा दी है यू कैन मेक डिफरेंट पैटर्न आपके बच्चे को कितनी लेवल की अंडरस्टैंडिंग है वो सिंपल जंप्स ले सकते हैं या कॉम्प्लीकेटेड आप देखना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आप इस एक्टिविटी को सिंपल वे में म्यूजिक के साथ बना सकते हो दिस इज गुड फॉर हैंड आई कोऑर्डिनेशन और क्रिसमस कैरल्स या जिंगल्स लगा सकते हो <गणीज़> आप देखो इस क्रिसमस कैरल के ऊपर हर बीट के ऊपर जंप करना है और एक क्लॉकवाइज वो रोटेट कर रहा है पहले पहले आगे फिर साइड फिर बैक फिर आगे फिर साइड फिर बैक सो so आप आप अपने सीक्वेंस बच्चे के लेवल के हिसाब से उस वो किस लेवल पर कंफर्टेबल है आप वो कर सकते हो एंड यू कैन हैव सम म्यूजिक गेम्स ऑन क्रिसमस जो बहुत ही बिगिनर लेवल के बच्चे हैं uh, म्यूजिकल डांस या म्यूजिकल चेयर ये सारी चीजें आप जरूर ट्राई करिएगा बच्चों को क्रिसमस पे मजा आता है सो so, ये थोड़े बड़े बच्चों के साथ हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए गेम अच्छी थी इसलिए आपके साथ शेयर किया आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज थोड़ी वैरायटी थी गेम्स एक्टिविटीज की एनी क्वेश्चंस मैम इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग सेशन थैंक यू सो मच आई होप दिस सेशन हैज हेल्प्ड यू ऑल जहां पर भी है आप बच्चे को और आगे 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 बढ़ाते जाइए एंड फाइनली एक ऐसा दिन आएगा जब आप एंजॉय करेंगे रिलैक्स करेंगे और uh, बच्चों के साथ आपको फिर जो मेहनत है उसका फल आपको अभी फल तो अभी भी दिख रहा होगा बट जो जो एक फेज है वो अच्छे से निकल जाएगा सो so, हंसते रहिए खेलते रहिए बच्चों के साथ एंड विश यू क्रिसमस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर